दिल्ली से जयपुर जाते हैं कभी सड़क पे? मैं 2-3 बार गया। तो कितने परेशान हुए होंगे आप? ये जब 4-लेन सड़क बनी थी, अब उसको 6-लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 6-लेन में कन्वर्ट करने में जो स्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने में टाइम लग रहा है। टाइम और कास्ट ओवरन तो हुआ है ना इसमें? टाइम और कास्ट अभी ओवरन नहीं हुआ है, पर काम जिस तेज गति से चलना चाहिए वो नहीं चल पाया। जो कमलनाथ जी ने कहा था वो कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो जल्दी में बोल गए? नहीं, जो कमलनाथ जी ने घोषणा की थी उसमें इंटेंशन था कि हम पर डे 20 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। इकोनॉमिक मेल्टडाउन के कारण जितना टारगेट अवार्ड करने का था वो टारगेट अवार्ड नहीं हो पाया, इसलिए वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर। 20 किलोमीटर जब नहीं बना, अब आपका 11 भी नहीं बन रहा, आपकी एवरेज 7 या 8 बैठती है अभी तक जो बन, जो आपकी अपनी फिगर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जब प्रथम NDA सरकार ने काम प्रारंभ किया था वो ज़्यादा काम EPC मॉडल में हुआ। जब UPA की सरकार बनी और हमने कोशिश की कि PP मॉडल में इस काम को प्रारंभ करें, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो काम प्रारंभ करने का कमलनाथ जी ने के समय निर्णय हुआ था, उस समय हमने टारगेट रखा था कि 20 किलोमीटर की सड़क हम बना पाएंगे, पर जो पब्लिक फंडिंग के अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो आकर उसमें खर्च करना थे उनको इकोनॉमिक मेल्टडाउन के कारण इतने फाइनेंसिस अवेलेबल नहीं हो पाए। हम 7,300 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हर साल 7,300 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, तब हम 20 किलोमीटर की सड़क की जो हमने घोषणा की उसको जनता के बीच में चुनाव के पहले जाकर हम करके बताएंगे। पिछले 5 साल में देखा होगा, स्टडी किया होगा, कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सड़कें बनाने में आपको परेशानी आई? खास तौर से उन प्रदेशों में समस्या आ रही है जहाँ सड़क अवेलेबल नहीं है, रास्ता जो है जमीन उपलब्ध कराने में सरकार सक्षम नहीं है, उनके हिस्टोरिकल कारण। केरल में जाए तो केरल में जिस तरह का बसावट है वहाँ पर, गोवा में हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, बंगाल में हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तो वो नेचुरल जो उनका रेबिटेशन बसा हुआ है उसको डिस्प्लेस करने के लिए वो पॉलिटिकली नहीं चाहते हैं कि सड़क चौड़ी हो जिससे उनको डिस्प्लेस करना पड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब मेरी बात हुई उनका कहना हमारा ये नेशनल हाईवे बनती है, जब शहर की तरफ आती है तो शहर में नीचे गिरा देते हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। ये फॉल्टी प्लानिंग जो है, फॉल्टी प्लानिंग नहीं है, किसी भी एक पानीपत जाइए तो वहाँ चौराहे पे खत्म, एक 200 फरीदाबाद जाइए वहाँ भी चौराहे पे खत्म, बल्लभगढ़ से जाइए वो भी चौराहे पर खत्म, स्ट्रेच है 200 किलोमीटर का। 200 किलोमीटर के अंतर्गत यदि हमें 100 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे उसके बाद तो अगले 100 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, तो NHAI जो सड़क बना रही है वो NHAI के स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमारी जो मंत्रालय है प्लानिंग कमीशन से मिलकर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से मिलकर उनको डिक्लेयर करता है कि ये NHAI है। सड़कों की जहालत शहरों के अंदर आप भी जाते हैं, बद से बदतर होती जा रही है हर प्रदेश के। 3-3 मंत्रालय इस देश में सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, तो सड़कें दूसरे देश में हम जाते हैं वहाँ सड़क बनाने का काम शहर से लगाकर ग्रामीण तक एक ही मंत्रालय करता है। प्रधानमंत्री भी आपके एक महामंत्री ने कह दिया कि राहुल गांधी को बता देना चाहिए कि टाइम एस कम इज राइट, तो ये इशू नहीं है नेतृत्व की, पूरी कांग्रेस मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार चला रही है। दिग्विजय सिंह जी की बात जो बार बार कहते थे प्रधानमंत्री की एक स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है ना, एक्सप्लेन दे दिया है, हमने एक्सप्लेन दे दिया, वो अपने आप में सफिशिएंट है जो एक्सप्लेन दिया उन्होंने।